आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सब अलग अलग बुकों से मैं इकट्ठे करके आपको पढ़ाता रहता हूँ, नई नई चीज़ें कराता रहता हूँ बेटा। एट ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है और दे रखा है ट्वाइस एंगल पी, कंसेप्ट समझिएगा, थोड़ी राइटिंग वायरिंग हो सकता है गंदा हो, लेकिन जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो ढंग से समझा रहा हूँ। ट्वाइस एंगल पी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल क्यू इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर को निकालना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर का तो मतलब एक ट्राइंगल है, उसका नाम है पी क्यू और आर। आप सबको पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये पी क्यू आर है, तीन अलग अलग टर्म है, सबको एक ही टर्म में आपने लिखना है, सबको एक ही टर्म में, या तो पी के टर्म में या क्यू के टर्म में या आर के टर्म में। तो पी की जगह तो हम पी लिख लेते हैं, पी की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं। और यहाँ ध्यान से देखो, टू पी इज इक्वल टू थ्री क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, टू पी अपॉन थ्री। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो क्या बोला मैंने, क्यू की वैल्यू कितनी है, टू पी अपॉन थ्री। अब आर को भी किसके टर्म में लिखना है, पी के टर्म में, सिक्स आर टू पी के बराबर है। ध्यान से देखो, हाँ ये लिखो सिक्स आर इज इक्वल टू टू पी, तो आर को पी के टर्म में लिखना, आर हो गया टू पी अपॉन सिक्स, आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, टू पी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 180। बस अब सब खेल आसान है, एलसीएम ले गया सिक्स, वन सिक्स जा सिक्स सिक्स पी, थ्री टू जा सिक्स टू टू जा फोर पी, प्लस टू पी इक्वल टू 180, छः चार दस 12 पी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 180। तो पी का वैल्यू 180 इंटू सिक्स अपॉन 12 वन जा 12 15 सन 90, तो पी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, पी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, पी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब पी 90 डिग्री आ गया, ध्यान से देखिए, पी 90 आ गया तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 6, ये लिख रखा था मैंने, 650 जा आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। तो पी भी निकल गया, आर भी निकल गया, क्यू निकल जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर को मिला के कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट वाला, सब अच्छे वाले हैं ये, एक्स प्लस वाई 65 है, एक ट्राइंगल दे रखा एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई 65 है, वाई और जेड 145 है, तीनों एंगल निकालने। सबसे पहले ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आपको लिखना एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस वाई की जगह 65 लगाएंगे तो आराम से जेड की वैल्यू निकल जाएगी, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 115 डिग्री। दूसरा जेड आ गया 115, दूसरा फिर दोबारा लिखो एक्स वाई जेड को मिला के 180, वाई प्लस जेड की जगह क्या लगा देंगे 140, एक्स इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 140 एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 40 डिग्री। हमारे वीडियोस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले मिलेंगे, तो हमारे वीडियो की खूबी यही रहेगी, एक्स की वैल्यू, और एक और खूबी रहेगी, काम बहुत गंदा होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी 40 डिग्री। तो एक्स भी निकल गया हमारा, जेड भी निकल गया, वाई निकालना है, तो एक्स पता है हमें, पता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65, एक्स की जगह 40, वाई कितना होएगा हमारा 65 में से 40 को माइनस किया, वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी 25। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दे रखा है उन्होंने आपको, पी क्यू आर निकालना है। तो सबसे पहला खेल क्या है कि पी क्यू आर को मिला करके 180, पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो R किसके बराबर है, देखो इस क्वेश्चन में P और Q हैं, इसमें R भी है, तो R को हटाएंगे, R किसके बराबर है, R को लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से माइनस आर इधर आ गया, प्लस R, R लिख सकते हैं Q माइनस 18, R की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q माइनस 18, P की जगह P, Q की जगह Q, R की जगह Q माइनस 18, 180। अब ये हो गया हमारा P प्लस 2Q माइनस 18, यहाँ के प्लस 18 कितना हो गया 198। इक्वेशन नंबर सेकेंड, पहला इक्वेशन है पी माइनस क्यू इक्वल टू 33 बाय, क्या बोला मैंने, देखो दोनों पी पी हैं, दोनों प्लस प्लस पी है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखा मैंने, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग लिखा तो माइनस साइन चेंज हो गया प्लस, प्लस साइन चेंज हो गया माइनस, इसकी कहानी खत्म। 2Q प्लस क्यू 3Q 198 कितना आ गया 165, कितना आ गया आपका 165। तो Q का वैल्यू 165 पॉइंट 3 35 15 35, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 55 डिग्री। अब Q निकल चुका है, देखो P माइनस क्यू
33 क्यू की जगह 55, पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 88, तो पी निकल गया, क्यू निकल गया, आर निकल जाएगा, क्यू माइनस आर 18 है, क्यू माइनस आर 18 है, क्यू कितना आपका 55, आर 18 माइनस आर इधर आ करके प्लस आर, तो आर की वैल्यू आपकी निकल 55 और 8 63 एंड 10 73, आर की वैल्यू कितनी हुई हमारी 73 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चन को आपके कंप्लीट करे। और इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रूव दैट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऑन द सेम साइड इट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बहुत बढ़िया खेल है, ध्यान से समझना। प्रूव दैट इफ टू पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इस पैरेलल लाइन का नाम एल और इसका नाम क्या रख दिया मैंने एम, ठीक है, आर कट ऑन द सेम साइड इट इंटरसेक्ट, ये जो इसके बाइसेक्टर है ये क्या बनाएंगे यहाँ 90 डिग्री, तो आपको ए, ठीक है, बी सी, तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए बी बाइसेक्टर है इसका, तो इसका नाम एक्स रख लो, इसका नाम एक्स रख लो, बी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसका नाम एम एम एम, देखो लिखेंगे बी ए इज बाइसेक्टर, बी ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और क्या बोला मैंने बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, थोड़ा काम गंदा रहता है क्योंकि जल्दी जल्दी जाते क्वेश्चन कर दो के चक्कर में रहता हूँ मैं, इसलिए काम गंदा हो जाता है। बी सी इज बाइसेक्टर एंगल सी, बाइसेक्टर मतलब वाई इधर वाई इधर, एंगल ए बी सी को 90 प्रूव करना है। तो सबसे सिंपल सा खेल लिखा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y 180 क्यों है, क्योंकि ये दो लाइन क्या है पैरेलल है, क्योंकि ये दो लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है, रीजन हो गया हमारा कोइंटीरियर एंगल लाइंस आर पैरेलल, एक रीजन लिखेंगे कोइंटीरियर एंगल लाइंस आर पैरेलल, दोनों में 2 कॉमन है, एक्स प्लस वाई 180, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 अपॉन 2, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री। जब मैं इस वीडियो को बनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हो, बिल्कुल फटाफट पढ़ाओ, जैसे क्लास में टीचर समझाते हैं ऐसे समझाने की हमारी आदत है, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए राइटिंग वाइटिंग बहुत सुंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं इसको नहीं कर पाता हूँ। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 90। अब यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई को मिला के 180, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 180 में से 90 माइनस करो, ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन सी आर टी की बुक में एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाली कहानी है, तो इसमें इंटरनल बाइसेक्टर वाली कहानी है। इसने बोला है हमें कि जेड एक्स वाई एक ट्राइंगल है, एक्स ओ इंटरनल बाइसेक्टर है, किसका एंगल एक्स का, वाई ओ किसका बाइसेक्टर है, एंगल वाई का बाइसेक्टर है, प्रूव करना है कि एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई किसके बराबर 90 प्लस हाफ एंगल जेड के बराबर, ठीक है। तो पहला खेल स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखा मैंने एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, एक्स वाई जेड को मिला के 180, तो एक्स का आधा वाई का आधा और जेड का आधा 90 के बराबर होगा, समझ रहे हो। अब सुनो, अब लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल एक्स ओ वाई, इन ट्राइंगल एक्स ओ वाई, इस एंगल का नाम क्या है, ये बाइसेक्टर है, तो इसका नाम है एक्स का आधा, इसका नाम है वाई का आधा, इन ट्राइंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई प्लस, क्या बोला मैंने, एक्स ओ वाई प्लस एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ ध्यान से देखोगे एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू, क्या बोला मैंने, एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू, फ्रॉम फर्स्ट एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस जेड अपॉन टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस जेड अपॉन टू, क्या बोला मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 90 माइनस जेड अपॉन टू, तो एक्स अपॉन टू वाई अपॉन टू की जगह 90 माइनस जेड अपॉन टू लगा दिया, तो एक्स ओ वाई कितना हो गया 180 प्लस 90 आ गया, माइनस 90 माइनस जेड अपॉन टू आ गया प्लस जेड अपॉन टू,
तो x को y की वैल्यू कितनी आ गई 90 प्लस z अपॉन 2, ठीक है। तो x को y ऐसे लिखा बेटा 90, z को हम लोग, हाँ ये हो गया z अपॉन 2 को हाफ एंगल z भी लिख सकते हैं। हेंस प्रो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बुक का है तो एक्सटर्नल वाला आ सकता है या इंटरनल वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला खेल मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको करना चाहता हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो मैंने नेक्स्ट करना चाहता हूँ ये वाला है, ये आपका आ गया एक्सटर्नल बायसेक्टर वाला, ठीक है। दो बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन है देखो इस क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। ये भार का बायसेक्टर है, एंगल बी के भार का, ये भार का बायसेक्टर है। तो इसका सिंपल सा नाम एंगल बी, एंगल ए का नाम छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी रख दिया। सिंपल सा खेल करता हूँ मैं तो, बिल्कुल आसान से। मैं तो अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल एवरेज बच्चे थे तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाते जैसे एवरेज बच्चे को हम पढ़ा रहे होंगे, ए बी सी। सो बेटा क्या लिखें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो ए का आधा, बी का आधा और सी का आधा कितना आएगा 90, ठीक है बेटा। अब इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब इसकी कहानी चलेगी। देखो बेटा ये अगर एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये पूरा कितना होगा 180 माइनस बी, ये पूरा कितना होगा 180 माइनस सी, क्योंकि ये सीधी सी लाइन है, इनको इनको मिला के 180 होता है, तो 180 माइनस बी हो गया। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसका नाम है ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों को मिला के 180, देखो इसको 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 मिला के 180, ये ओ बी सी कितना है 180 माइनस बी का आधा, ओ सी बी कितना है 180 माइनस सी का आधा प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, 180 का आधा करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस बी अपॉन टू 90 माइनस सी अपॉन टू प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। देखो 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, 180, 180 कैंसिल। तो क्या प्रूव हो रहा है कि बी ओ सी बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू के बराबर है, बी ओ सी किसके बराबर है, बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू। अगर यहाँ से देखोगे तो बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू किसके बराबर है, बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू किसके बराबर है, ये इधर चला गया ना, किसके बराबर है 90 माइनस ए अपॉन टू किसके बराबर है 90 माइनस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू किसके बराबर है 90 माइनस ए अपॉन टू। इसको यहाँ क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, तो बी ओ सी किसके बराबर आ गया बेटा 90 माइनस ए अपॉन टू। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और मेहनत करिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को, रिपीट करिएगा वीडियो को। नाउ ये क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपको समझाने की। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए एम इज बाइसेक्टर, ए एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए एम क्या है बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, और ए एन बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना एम ए एन इजिकल टू हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। एग्जाम में आएगा फिर आप बोलेंगे सर हमने छोड़ दिया। अब यह देखो एम ए बी, देखो ये ए एम बाइसेक्टर है, तो एम ए बी, एम ए बी क्या होगा इस एंगल ए का आधा होगा, एम ए बी क्या होगा इस एंगल ए का आधा होगा। अब इन ट्राइंगल ए एन बी, ए एन बी ट्राइंगल में क्या लिखा है मैंने, एंगल बी, देखो एंगल बी और एन ए बी, देखो ये ट्राइंगल में इसको इसको मिला के 90 180 होगा, ये 90 है तो इसको और इसको मिला करके कितना होना चाहिए 90। तो मैंने लिखा एंगल बी प्लस इसका नाम क्या लिखा मैंने एन ए बी को मिलाकर कितना 90। तो एन ए बी का वैल्यू कितना आ गया, एन ए बी इसका वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस एंगल बी, 90 माइनस एंगल बी। ध्यान से फिर सुनवा, इसको 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 मिला के 180 या 90 है, तो इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। तो इसका नाम अगर बी के टर्म में दिया जाए तो इसका नाम होगा 90 माइनस एंगल बी, इसका नाम क्या होगा 90 माइनस एंगल बी। मेरी बात समझ आ गई। अब सुनो एम ए एन इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा आधा एंगल ए है, क्या है आधा एंगल ए, आधे एंगल ए में से, आधे एंगल ए में से आपको किसको घटा देना है, इसको घटा देना है,
इसका नाम क्या निकाला मैंने, एन ए बी का नाम क्या निकाला, 90 माइनस एंगल बी, इसका नाम क्या निकाला मैंने, 90 माइनस एंगल बी। तो एन यहाँ देखो एम ए एन, इसका जो हमने नामकरण लिखा रखा है, देखो ये नामकरण लिख रखा है मैंने इसका 90 माइनस एंगल बी, ये जो बीच वाला एंगल है एम ए एन, ये है ए के आधे में से, ए के आधे में से इसको माइनस करना है। देखो ए के आधे में से इसको माइनस कर रहे हैं, अब क्या हुआ देखो बेटा ध्यान से देखिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों को, थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर वर्किंग दिखाया, मैंने वर्किंग दिखाया कि देखो ये हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, माइनस 90 माइनस बी ये लिख रखा है मैंने। अभी आप बोलोगे अचानक सर ये कहाँ से आ गया, ए बी सी को मिला करके 180, तो ए का आधा बी का आधा सी का आधा किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ए का आधा बी का आधा सी का आधा किसके बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है बेटा। अब मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा था, रुको, माई ए देखो ए अपॉन ए की जगह यहाँ से हमने ए को हटाया, देखो ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू 90, ए अपॉन टू में से प्लस 90 इधर आके क्या हो गया, माइनस 90, ए अपॉन टू में से अगर 90 गया तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू। ध्यान से देखिए, ए अपॉन टू में से 90 गया तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू। सेम चीज़ हमने यहाँ कर दिया, ये ए अपॉन टू माइनस 90 है, अगर आप खोलोगे तो ए अपॉन टू माइनस 90 है, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू। इसके बाद कोई बड़ा काम नहीं है, ये पूरा भी है ये आधा भी है, बी में से आधा भी गया, बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू बचा, हाफ क्या हो गया दोनों में कॉमन हो गया, क्या प्रूव हो गया, एंगल बी माइनस एंगल सी, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, एक बार और रिपीट करूँगा मैं, ये एंगल ए है पूरा, क्या है एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, ये आधा है बी ए एम, एंगल ए का आधा है, इसका नाम है ए अपॉन टू, इसका नाम क्या है ए अपॉन टू। इसका आंसर आपने देना है बी के टर्म में, इसका आंसर देना आपने बी के टर्म में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब ये क्या आएगा आपका, ये इसको अगर आप बी के टर्म में लिखोगे तो ये वाला एंगल होगा एन ए बी, देखो इसको और इसको मिला के 90, अगर आप इसको बी के टर्म में लिखोगे इसका नाम आएगा 90 माइनस एंगल बी, इसका नाम क्या आएगा 90 माइनस एंगल बी, और इसका नाम क्या आएगा ए अपॉन टू में से, ए अपॉन टू में से इसको माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, तो ए अपॉन टू में से हमने किसको माइनस किया आपका 90 माइनस बी, ये है 90 माइनस बी, ए अपॉन टू में से हमने इसको माइनस करा, ए अपॉन टू में से अगर हमने इसको माइनस करा तो ये निकल गया, तो हमने ए अपॉन टू में से किसको माइनस करा 90 माइनस बी। इसके बाद ये मैंने साइड में वर्किंग दिखाई, ए बी सी को मिला के 180, ए अपॉन टू बी अपॉन टू सी अपॉन टू कितना 90, ये इसलिए करा क्योंकि आंसर में बी और सी के टर्म में होना चाहिए, तो ए को हटाना है हमने, तो अब ये प्लस 90 आगे माइनस 90, ए अपॉन टू माइनस 90, ए अपॉन टू माइनस 90 की जगह मैंने ये लगाना है, तो ए अपॉन टू माइनस 90 की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू, बी में से बी का आधा गया, बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, हाफ कॉमन आ गया। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया बेटा, ठीक है। अब हमारा दो चार क्वेश्चन और रह गए हमारे, ठीक है। टाइम हमारा कितना वीडियो पे है, टाइम है इसमें हमारे वीडियो में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, ये 55 ए की वैल्यू निकालनी, खेल बहुत बढ़िया है, बहुत आसान, बहुत ईजी, अगर आप समझना चाहो तो ईजी है। सबसे पहला वाला खेल तो बहुत ही आसान तरीके से कहूँ तो ये 30 है, ये 55 है, 45 है, ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो क्लोज फिगर मेड ऑफ फोर लाइन, 1 2 3 4, तो 30 इसका नाम x रख लो, 30 प्लस एक्स प्लस 55 प्लस 45 इक्वल टू 360, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, चार साइड का फिगर है, टेढ़ा बांगा जो भी बना है तो क्वाड्रिलेटरल ही, 45, 55, 60, 100, 130 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू 360 में से 130 गया, कितना आ गया 230, ये कितना आ गया हमारा 230, ठीक है बेटा। अब 230 आ गया, a निकालना है, x और a को मिला के 360 होता है, x और a को मिला करके 360 होता है, x की जगह हमने 230 लगा दिया, a कितना आएगा हमारा 360 में से 230 को माइनस किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 130 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 130 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहे ए डी डिवाइड एंगल बी ए सी, ए डी डिवाइड एंगल बी ए सी
इन द रेशियो 1:3 बी ए सी को 1:3 मतलब अगर ये ए है तो ये 3A है, ये सीधी सी लाइन है, तो ए प्लस 3A प्लस 108 इज इक्वल टू 180, 4A 72, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 17, 72 को 4 से डिवाइड करा, ए की वैल्यू 18। अब ADDB के बराबर है, ADDB के बराबर है, अगर ADDB के बराबर है जितना एंगल यहाँ होगा, ए कितना है 18, अगर यहाँ 18 होगा तो यहाँ भी 18 होगा। रीज़न इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, या 18 तो ये भी 18। ध्यान से आप देखते जाएंगे, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया हमारा। अच्छा अब आपको निकालना एंगल वाई, देखो ये 18, ये 18, ये वाला एंगल किस क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर। ये एक बार देख के मेरा वीडियो कमज़ोर बच्चों को समझ नहीं आएगा, उन्हें बार 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 देखना है। ये 18, ये 18, तो एंगल ADC कितना आएगा, 18 प्लस 18 कितना आएगा आपका 36 डिग्री, और एंगल DAC इसके बराबर है 3A, 3 × 18 कितना आ गया 54। तो अब ये पता लग गया, ये पता लग गया, वाई पता लग जाएगा। देखो वाई प्लस एंगल DAC मतलब 3A प्लस ADC को मिला करके 180, वाई की जगह वाई 3A, 3A का मतलब हो गया 18 है 54, ADC देखो ADC कितना निकाल रखा मैंने, ADC कितना 18 36, 180, 36, 40, 50, 90, वाई प्लस 60, 30, 90 इक्वल टू 180, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 डिग्री, वाई कितना निकल गया हमारा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले हैं, छांट छांट के लेके आ रखे हैं, तो आप छांट छांट के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला, ठीक है बढ़िया वाले मस्त क्वेश्चन है हमारे, इसमें देखिए XQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल X। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो प्रूव किया था मैंने, 65 और 30 ये बीच का वाला एंगल क्या है, XQ क्या है, बाइसेक्टर है, क्या है बाइसेक्टर है। देखो ये 30 है और ये 65 है, तो एंगल X कितना होगा, सीधा सीधा 180 में से 65 और 30 को माइनस कर दो, तो एंगल X आएगा 85 डिग्री। 180 में से 95 घटाओ, 180 में से 95, 10 में से 5 या 5, तो कितना आ गया एंगल X 85। अब 85 आ गया तो आधा इधर है और आधा इधर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो आधा मतलब वर्किंग आप लोग करते रहना भाई, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आधा हो गया 42.5, ये भी कितना हो गया आपका 42.5। अब ध्यान से देखिए ये 90 है, ये कितना है 90 है, ये कितना है 65, इसके भी दो टुकड़े कर देंगे, इसका नाम ए और इसका नाम बी, पहले ए निकालेंगे, 90 प्लस 65 प्लस ए इक्वल टू 180, ये हो गया 155 प्लस ए 180, तो ए का वैल्यू 180 में से 155 गया, 55 पाँच 60, 70 80, तो ए का वैल्यू आ गया 25, ए का वैल्यू कितना आ गया 25, तो बी निकालना है, ए और बी को मिला के 42.5, ए 25 है तो बी का वैल्यू कितना आएगा, 42.5 में से 25 को माइनस किया कितना हो गया 17.5। खेल समझना है, ये लाइन बाइसेक्टर है, 65 ये है, 30 ये 95, पूरा मिला के 85, तो आधा इधर हो गया, आधा इधर, आधा है तो इधर आ गया 42.5, इन दो को मिला के भी 42.5 है। ध्यान से सुनते रहिए, ये 90, 65 है तो ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 180 से माइनस करेंगे निकल जाएगा, फिर ये निकालने के लिए क्या करेंगे 42.5 में से इसको माइनस करेंगे। तो जैसा मैंने क्वेश्चन समझाया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमारे दो चार क्वेश्चन और रह गए, ठीक है अब वीडियो आधे 2-4 मिनट बड़ी हो जाएगी, ठीक है ये हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है आप इनको ट्राई करिएगा, ठीक है जो नहीं आएगा हम आपको फिर समझाएंगे या कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन हम आपको समझाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।